आज मैं तलवंडी साहबो बैसाखी दे रिगार्डिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट रिव्यू करन विजिट रखी सी कि अपने सारे अफसरां नाल मीटिंग की थी। नाले जिद्दा दे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्लान किए जा रहे हैं वो रिव्यू किए गए ते यह मैं पंजाब पुलिस के बिहाफ से अश्योर करना चाहवागा कि असी फूल प्रूफ सिक्योरिटी इतने करांगे बैसाखी के मौके से ताकि लोगों का जो फंक्शन सुखावा हो सके कन्वीनियंस नाल हो सके। मैं कुछ गल्लां सवेरे भी कही सी दोबारा मैं रिपीट करांगा कि पंजाब दे विच इस वक्त कंप्लीट पीस एंड हारमोनी है ते सारे पंजाबी ते पंजाब पुलिस कमिटेड हैगे पंजाब दे विच पीस हारमोनी नू मेनटेन करन वास्ते ते कुछ जिहड़ी शक्तियां जिहड़ी भारत दे बाहर बैठिया है पाकिस्तान दी ISI एजेंसी ते उन्हां दी नापाक कोशिश है कि पंजाब दे विच शांति नू भंग कीता जावे ते पंजाब पुलिस इसका मुंह तोड़ जवाब देगी ते पंजाब दे विच अमन ते शांति नू बरकरार रखा जाऊगा। दूजा असी एक जुडिशियल प्रोसेस दे विच ऑपरेट करते हैं लॉ दे मुताबिक कार्रवाई करते हैं। सो कोई भी शख्स जिहड़ा पुलिस नू वॉन्टेड है किसी केस दे विच जे वो अपने आप नू लीगल प्रोसेस से सबमिट करूँगा तो वह लीगली उसको डील किया जाऊगा। जिहड़ी साड़ी जुडिशियल सिस्टम दे विच लोका दे अपने डिफेंस के सिस्टम्स हैगे लीगल राइट्स हैगे वो सारिया दे वो लीगल राइट्स सारिया नू मिलते हैगे ते मिलनगे जी। किसी भी शरारती तत्व नू असी पीस डिस्टर्ब नहीं करन दांगे स्टेट दे विच ते मैं लोगों नू अपील करांगा कि तुसी आके वेखो पंजाब दे विच हालात नॉर्मल है स्पैशली जिहड़े साडे भरा USA कैनेडा इंग्लैंड बैठे हैं उन्हां नू मैं अपील करांगा तुसी रोज़ तुसी गल करदे हो अपने रिश्तेदारां नाल अपने दोस्तां नाल गल करदे हो इत्थे हालात बहुत नॉर्मल हैगे डे टू डे लाइफ इज़ गोइंग ऑन। सो असी सारिआं नू इकट्ठे हो के पंजाब नू पीस ते डिवेलपमेंट वल लैके जाना है। सर लगातार जिन्ने तक साहबान ने खास करके तीन तक साहबान ने उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा लाई हुई है की कारण ने जी इन्नी फोर्स लाने का? देखो जी मैं जिवें पहले कहा कि असी स्टेट दे विच लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करके रखना है सो पहला क्योंकि इतने लोगों का इकट्ठ बहुत होंदा है सो उसनू रेगुलेट करन लई लोगों को सिक्योरिटी देन लई ते जे कोई भी सानू वॉन्टेड एलीमेंट इतने आऊगा तो उन्हूं फड़ांगे। वांटेड एलीमेंट की तुसीं गल कीती है तां इक्को ही वांटेड एलीमेंट जिहड़े हैगे? बहुत सारे वांटेड एलीमेंट है जे मैं कोई भी वांटेड एलीमेंट जे आऊगा उसनू अरेस्ट किया जाऊगा ते मैं यह भी गल कही सी देखो जी धर्म स्थान तो धर्म ग्रंथां दा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए अपनी निजी कारणा करके। सर सिंह साहब ने कहा कि फोर्सां नू हटा देना चाहिए लोड़ीं बेलोड़ियां फोर्सां नू की लगता है कि सिंह साहब दे देश दा कोई पालन होया नहीं होया? देखो जी असी बहुत लोगों के कन्वीनियंस असी तो इसनू सेवा समझते हैं तुसी फतेहगढ़ साहब दे विच या होला मोहल्ला दे विच तुसी पुलिस दा रोल देखिया तुसी इत्थे रोल वेखोगे तो असी फैसिलिटेट करदा है ताकि लोगों नू दर्शन जिहड़े हैगे वो मत्था टेकने का सारा सिस्टम जिहड़ा वो कन्वीनियंस मुताबिक होगा। वैसे सर क्योंकि पहला भी कहा गया सीगा कि अमृतपाल वालों बार बार एक गल कही जा रही है कि वह तख्त साहब के उपर जरा अपने आप में सिलेंडर कर सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भी इतने जो जथेदार साहब ने बेनती भी की कि सरबत खालसा जरा वो बुलाया जाए तुम इस चीज़ में किमें देखते हो? देखो जी असी प्रोफेशनल है साडा काम है पुलिसिंग करना लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना धार्मिक मसलों से या सियासी मसलों से साडा कोई कमिट नहीं होगा जिहड़ा शख्स सानू वॉन्टेड लोड़िंदा है उसनू असी फड़ांगे। थैंक यू।